ओके तो फैमिली, आज के इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं 5 शॉर्टेस्ट मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेन, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइंस कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1 है वो है ऑस्का। ऑस्का का मनी इन द बैंक रेन आपको याद होगा 2020 में वो जीती थी। उनका मनी इन द बैंक रेन सिर्फ एक दिन चला। एक दिन कैसे चला आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच प्रेग्नेंट हो गई थी। इस चक्कर से उन्हें अपना टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ा था और उन्हें रिलिंक्विश किया था ये ऑस्का को। इस चक्कर से ऑस्का को कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी और उनका मनी इन द बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने सिर्फ एक दिन रेन किया। मतलब आप लोग कह सकते हैं तरीके से, मतलब वो झंझट ही नहीं हुआ कि भाई कैसे कर आ जाए, सीधा मतलब टाइटल हाथों हाथ मिल चुका था ऑस्का को। आप लोगों ने 2020 में देखा होगा। नंबर 2 एलेक्सा ब्लिस। एलेक्सा ब्लिस का मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट का जो रेन था वो था 2 घंटे 52 मिनट। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि 2 आवर्स 52 मिनट मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट रेन एलेक्सा ब्लिस ने रखा अपने पास। आपने देखा होगा वहाँ पे मैच चल रहा था रोंडा राउजी वर्सेस नाया जैक्स के बीच में, जहाँ पे रोंडा राउजी में जीतते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे एंट्री ले लेती हैं एलेक्सा ब्लिस, जिन्होंने कैसिन कर लिया अपना मनी इन द बैंक 2018 के अंदर। और उसी नाइट में उन्होंने कैसिन कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 घंटा 52 मिनट उनका रेन रहा और वो बन भी गई थी रॉ वुमेन्स चैंपियन। मतलब आप लोग कह सकते हैं इनका रेन भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहा, क्योंकि पता है भाई मनी इन द बैंक तो आज तक कभी फेल हुआ नहीं है वुमेन्स का। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा 2021 में कि क्या होता है, क्या फेल होगा वो। नंबर 3 बेली। बेली का जो मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट का रेन रहा वो तो और भी ज़्यादा शॉर्ट था। वो था 1 आवर 25 मिनट, सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट रेन किया। जैसा कि आपको पता होगा बेली बचाना जाती है यहाँ पे बेकी लिंच को, जिसके बाद भाई वो देखती है अरे मेरे को तो कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे भी कर लेती है। तो 1 घंटा 25 मिनट का बहुत शॉर्ट रेन रखा उन्होंने। नंबर थर्ड तो डीन एम्ब्रोस। आपको याद होगा भाई 2016 में जब वो जीते थे उनका जो टाइटल का जो रेंज चला वो था 57 मिनट का उन्होंने टाइटल रेंज दिया। ये तो भाई बहुत ही कम हो गया, मतलब वो नंबर सेकंड में आते हैं भाई। 2016 में उन्होंने जीता था मनी द बैंक का ब्रीफ केस और वो मनी द बैंक का ब्रीफ केस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता था, वो गोल्डन वाला। तो उन्होंने कैसे किया था आपको याद होगा, सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, सेथ रॉलिंस उसी समय टाइटल जीते थे रोमन रेंज के अगेंस्ट से और भाई मतलब उन पर अटैक कर दिया था वहाँ पर डीन एम्ब्रोस ने और कैसे कर लिया अपना मनी इन द बैंक और वो बन गए थे नए WWE चैंपियन। और इतना शॉर्ट रेन देने के बाद भी वो मतलब एक चैंपियन बन गए। बहुत आप लोग कह सकते हैं कम टाइम दिया उन्होंने, 57 मिनट भाई। अभी तक तो हम 2 घंटा चला था, 1 दिन चला था, 1 घंटा 25 मिनट चला था, लेकिन 57 मिनट, अभी आगे तो और बढ़िया आ रहा है। हाँ वो बढ़िया चीज़ आ चुकी है। नंबर फाइव है यहाँ पे केन का। इस केन ने जो रेन दिया था ना भाई 2010 में जीते थे केन मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे 50 मिनट रहा। 50 मिनट भाई, मतलब 1 घंटा भी नहीं, 50 मिनट सोच सकते हो भाई। 50 मिनट उन्होंने रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट कैसिन कर लिया था और बन गए थे नए वर्ल्ड चैंपियन भाई। मतलब 2010 में उन्होंने सिर्फ 50 मिनट में अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैसिन कर लिया था। मतलब भाई यहाँ बंदे 50 दिन तक नहीं करते हैं और केन ने 50 मिनट में कर लिया, मतलब बहुत बड़ी बात थी और बहुत शॉर्ट रेन था। तो देखा आप लोगों ने, मैं आपको बताया 5 शॉर्टेस्ट रेन इन मनी इन द बैंक हिस्ट्री। अभी तक जिन्होंने भी आज तक शॉर्टेस्ट रेन दिया है ना उनका मनी इन द बैंक कैसे कभी भी फेल नहीं हुआ। देख लो भाई जिनका भी मैंने बताया सब ने टाइटल, सबके पास टाइटल आया ही है, देखा होगा ध्यान से यार। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।